कक्षा आठवीं सेक्शन ए बी सी थर्ड लैंग्वेज आप सबके लिए मैं आपके पाठ्य पुस्तक मंथन पुस्तक के अंतर्गत कविता लेके आई हूँ, जो कि कवि आपके हरिवंश राय जी द्वारा रचित कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को लेके मैं आपके समक्ष हूँ। जैसा ये हरिवंश राय जी के बारे में पाठ कविता शुरू करने से पूर्व हम उनके परिचय हल्का संक्षिप्त में करते हैं। हरिवंश जी, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 जो कि इलाहाबाद के पास एक प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी नामक गांव में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार और कमल पुरस्कार तथा सरस्वती सम्मान के अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य कृतियां हैं, उनके द्वारा रचित कृतियां हैं तेराहार, मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, सत संगीनी आदि। इनका निधन का समय था 18 जनवरी 2003 में। इतना हमने कवि के संक्षिप्त परिचय जाना। आइए हम कविता का पाठ शुरू करते हैं। यहाँ कविता के शीर्षक के माध्यम से ही हम आप सब समझ जाएंगे कि कवि यहाँ किस बात को आवश्यक मानते हैं, किस बात का यहाँ इन्होंने क्या कहते हैं प्रेशर दिया है कि लोगों को अपने जीवन में किसी भी समस्या, किसी भी रुकावट के कारण कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कुछ भी पाने के लिए प्रयत्न करना अति आवश्यक है। किसी भी वस्तु को हम आसानी से पा नहीं सकते, उसके लिए बच्चों हम प्रयत्न लगातार जारी रखेंगे। प्रयत्नशील को सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। लगातार हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, इस प्रकार प्रयत्नशील व्यक्ति को आपका जो अवश्य ही आपके मार्ग में सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रस्तुत कविता असफलता से ना डरते हुए बार बार प्रयत्न करने के लिए कवि यहाँ प्रेरित करते हैं। इस कविता के द्वारा भी कवि असफलता से ना घबरा कर, ना डर कर बार बार प्रयत्न करने की यहाँ बात करते हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कवि कविता में कवि कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों से सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नाक अखराता है। मेहनत आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अब समुद्र में जब आप नौका के सहारे आप अपनी यात्रा करते हैं, सो उस नौका के जब नौका में आप यात्रा करते समय बड़े बड़े लहरों को आपने सामना करना पड़ता है। सो कवि कहते हैं कि उन लहरों के बड़े बड़े लहरों जो बहाव आते हैं, उन बहाव उन लहरों से डरकर हमें अपनी जो गति है, हमें अपनी जो निरंतर बढ़ने की जो क्या कहते हैं एक आपका मार्ग है, उससे हमें कभी भी हटके नहीं भागना चाहिए। नन्ही जिस प्रकार कवि कहते हैं जिस प्रकार नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, हम देखते हैं छोटी से छोटी चींटी अपने खाने के लिए वो दाने इकट्ठा करके चलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। मानी वो जो चींटी है, इतनी छोटी चींटी है, किंतु फिर भी वो अपने मुंह में
खाने की कुछ दाने लेके दीवारों में वो उसकी जो चढ़ाई है ना, दीवारों में वो चढ़ती हुई नजर आती है, वो फिसलती है, गिरती गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है उस दीवार में चढ़ाई करने की, यानी वो चढ़ने की कोशिश करते हैं अपने मुंह में दाने लिए, और वो उस चढ़ाई में वो सक्सेस हो जाती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता, कभी वो ऊपर चढ़ती है उन दानों के सहारे दाने लेके, और कभी वो उसी दाने के साथ वो फिसल जाती है, गिर जाती है उसके भार के कारण। मेहनत आखिर बेकार नहीं होती, इस प्रकार बारंबार लगातार मेहनत करने का जो मेहनत है वो बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। इस प्रकार जब छोटे से छोटे जीव अपने जीवन में हार नहीं मानती, बार बार प्रयत्न करती, बार बार उसे सफलता की ओर वो आगे बढ़ती, हाँ फिसलती है, गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो फिर अपने चढ़ाई फिर वो उसी मार्ग उसी गति में वो आगे बढ़ती है। इसलिए कवि ने यहाँ चींटी के सहारे भी मानव को पाठकों को हमें यही शिक्षा दी है कि उन छोटे से चींटी के समान हमें भी अपने मुकाम है ना, अपने मुकाम की ओर पहुंचने के लिए हमें बारंबार प्रयत्न करते रहना चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार मोती बहुत ही कीमती आभूषण है, बहुत ही कीमती, जो कि आसानी से हमें प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें समुद्र में डुबकियां लगानी पड़ती है, बार बार उसे ढूंढना पड़ता है, उसकी खोज के लिए हमें बार बार अंदर जाके मानी उस पानी में पानी के अंदर भीतर वो जाके जिस तैर कर जाकर अपने हाथों को उस मोती को ढूंढने में लगाते हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं मोती, किंतु मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती ना, हर बार वो खाली हाथ नहीं लौटता, एक ना एक बार, यानी प्रयत्न करते रहो लेकिन एक बार उस प्रयत्न का आपको फल अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार कवि ने कहा कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जीवन में सबको असफलता एक हमारे अंदर जब हमारे मार्ग में आते हैं, सो इससे ये समझना है कि आपको चुनौती दिया गया है, यानी उस चुनौती से हार कर हमें पीछे नहीं भागना चाहिए, उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो उस मार्ग में, यानी उस आपको वस्तु की प्राप्ति करने में, है ना, आपने किस प्रकार की कोशिश अधूरे छोड़े, किस प्रकार आपने उसमें कमियां छोड़ी, उस कमी को ढूंढो और उसे उस कमी को दूर करके सफलता हासिल करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो, जब तक आप उस मार्ग तक उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचोगे, आपके अंदर जो आलसी है, जो नींद है, उन सबको ऐश आराम सबको त्याग दो। संघर्ष करो, मैदान छोड़कर मत भागो, बार बार संघर्ष करो, बार बार लड़ो उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। कुछ ये बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपके कर्मों द्वारा ही आपको पहचाना जाएगा। आप जब कुछ करेंगे समाज में, आपका कुछ कर्मों का एक सबूत है ना, आपके द्वारा जो दिए योगदान, उस योगदान के ही चलते आपका उस समाज में, उस गांव में, उस परिवार में आपकी पहचान, यानी आपकी जय जयकार होगी। सो कोशिश करते रहो एक अच्छा इंसान बनने की, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के जो लिए और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए, सारी चुनौतियां सारी असफलता को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जाओ। कवि कहते हैं इस प्रकार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो ये थे कविता बच्चों, आपके कविता के पीछे जो जितने भी अभ्यास है उन अभ्यास लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इन प्रश्नों को नहीं करना है, बाकी जो टिक द करेक्ट आंसर है उन्हें दो क्वेश्चन से सिर्फ, नंबर 1 पठित पद्यांश
पर जो क्वेश्चंस है और दूसरा ट्रू और फॉल्स, ये दो ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।